नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की जो एक सबसे बड़ी खबर है, जी हाँ दोस्तों, आज 8 जनवरी 2020 है और आज यूपी टेट का पेपर हुआ है। आज सुबह 9 बजे अपने घरों से तैयार होकर NIOS DLED के छात्र यूपी टेट की परीक्षा देने इस उम्मीद से गए थे कि इस बार वो टैड निकाल कर अपनी सरकारी वैकेंसी को कहीं ना कहीं पक्का करेंगे। मगर सेंटर पर पहुंचने के बाद वहां पहुंचे सभी यूपी टैड के अभ्यर्थी जो NIOS से DLED करे हुए थे, उनके हाथ निराशा लगी। सेंटर पे साफ साफ NIOS DLED वालों को एंट्री देने से मना कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है कि NIOS DLED वालों को यूपी टैट की परीक्षा नहीं देने दी गई और उन्हें सेंटर से ही वापस लौट दिया गया, ये कहकर कि ऊपर से ही अनुमति नहीं मिली है NIOS DLED वालों के लिए और NIOS DLED जो है वो टेट के लिए वैलिड नहीं है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि एक टीचर को पहले सरकार के द्वारा DLED का कोर्स करा के ट्रेन कराया गया और अब जब वो शिक्षक पात्रता परीक्षा देना चाहता है और उसको पास करके अच्छा शिक्षक बनना चाहता है, एक सरकारी वैकेंसी को पक्का करना चाहता है, तब सरकार के द्वारा कराए गए ही कोर्स को सरकार ही मानने से इनकार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, अपने आप में एक सवाल बन रहा है कि क्यों ऐसा कोर्स कराया गया जो कि सरकार खुद मानने से उस चीज को मना कर रही है। अभ्यर्थियों के हाथ में आज बहुत बड़ी निराशा लगी है। सेंटर पर पहुंच पिछले 3 महीने 4 महीने से, कुछ लोग 6 महीने से लगातार यूपी टेट की तैयारी में लगे हुए हैं और जब आज पेपर का दिन आया तो उन्हें सेंटर पर अपने अपने परीक्षा केंद्र पर घुसने ही नहीं दिया गया, वहां से डायरेक्टली वापस लौटा दिया गया, ये कहकर कि NIOS DLED छात्र टेट के लिए वैलिड नहीं है। तो ये जो मामला है ये काफी निराशाजनक है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे ख्याल में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूपी टेट का एग्जाम डाला था और जो NIOS DLED से पास हैं पर उनको ये एग्जाम आज देने को नहीं मिला है। तो ये एक जो पूरा आज की घटना हुई है ये बहुत ही निराशाजनक है और सभी छात्रों के मन में काफी निराशा है और गुस्सा भी भरी हुई है कि सरकार ने ऐसा एक कोर्स कराया ही क्यों जो खुद वो नहीं मान रही है। इस पर जो भी अपडेट हमें मिलेगी वो हम अपने चैनल पर जरूर दिखाएंगे। साथ ही साथ में हम NIOS DLED वालों को पूरा सपोर्ट करते हैं और उनकी खबरों को लगातार हम दिखाते रहेंगे। आप इस खबर को सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये चैनल सबकी आवाज है। धन्यवाद।